हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमें पढ़ना है लैग्रांज रैखिक समीकरण का हल, मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। और जो अब तक हम पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज में, हमारा जो टॉपिक था वो था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। हम इसमें पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9460689761, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और हमने यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है वो पढ़ी थी यहाँ पे। और उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था कि उनको डिनोट किससे करते हैं, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो तो उसको पी से, डेल जेड अपॉन डेल वाई हो तो क्यू से, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल आर एक्स स्क्वायर हो तो आर से, डेल स्क्वायर क्यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो तो एस से, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो तो टी से। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पढ़ लिया था हमने कि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालें, घात एवं कोटि, मतलब कितनी कोटि का इक्वेशन है, क्या घात है उसकी, ये देख लिया था हमने। उसके बाद पढ़ा था हमने डेरिवेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। हमने ये पढ़ लिया था कि किसी भी जो एक इक्वेशन दी हुई होगी उससे हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसमें कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होंगे, कोई अचर होंगे, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कोई अचर होंगे, उनको हम हटा के कैसे उससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ लिया था, साथ में हमने जो पढ़ा था वो था ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की जगह आर्बिट्री फंक्शन भी पढ़ लिया था हमने। अगर आर्बिट्री कोई फंक्शन हो, इसमें कोई आर्बिट्री फंक्शन हो ना, हमने वो भी पढ़ लिया था, मतलब डेरिवेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। कोई भी जो स्वच्छ फलन होगा उसे विलोपन द्वारा जैसे आंशिक अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं, हमने ये भी पढ़ चुके हैं। आपको ये सब हमारी लिंक, हमारी पुरानी वीडियो जो इन वीडियोज़ की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है अपने पास, आज जो पढ़ना है हमें वो है अपने पास लैग्रांज रैखिक समीकरण का हल। अभी लैग्रांज रैखिक समीकरण का हल जो फर्स्ट ऑर्डर में होता है वो, उसके लिए पढ़ना है हमें। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हमें ये पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रांज लीनियर इक्वेशंस, ये पढ़ना है। हम पहले अब जो हम पहले देख चुके हैं वो देख लेते हैं। पहले पहले हम जो अपना लैग्रांज समीकरण को हम दिखा चुके हैं कि लैग्रांज समीकरण क्या होता है, हमने पहले दिखाया था, वो इस फॉर्म में होता है कैपिटल पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, जहाँ पे पी एंड क्यू कोई एक्स पी क्यू एंड आर कोई वेयर पी क्यू एंड आर पी क्यू एंड आर कोई फंक्शन होंगे एक्स वाई जेड के। और जो पी स्मॉल पी बराबर होगा अपने पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और क्यू बराबर होगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये फंक्शन होंगे वो एक्स वाई के होंगे ना कि जेड के, इसमें हाँ जेड के भी हो सकते हैं, जेड पी क्यू एक्स वाई जेड सही है, ये इस तरह होगा। और हमने से जो समीकरण का सॉल्यूशन था वो अपने पास हम निकाल चुके थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको हम निकाल लिया था हमने। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो फाई यू वी इक्वल टू जीरो फॉर्म में होता है, हमने ये भी निकाल लिया था हमने पुरानी वीडियो में। जो अब हमें करना है इसमें हमें क्या करना होता है, फाई जो होता है एक स्वच्छ फलन होता है, इसका हमें विलोपन किया करते हैं। और जो विलोपन करके जो हमने निकाला था अपनी पुरानी वीडियो में, वहाँ पे निकाला था, यहाँ पे हमने ये भी डिफाइन किया था कि पी कैपिटल पी क्यू और आर ये किस तरह से लिखे जाते हैं। इनको लिखने का वो तरीका वो था, पी जो होता था वो होता था अपने पास डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई डॉट डेल यू अपॉन डेल जेड, ये था, इसको हम भी लिख रहे थे डेल यू वी अपॉन डेल वाई जेड, ये लिखा था हमने उसमें। और इस तरह क्यू को जो लिखा था वो लिखा था हमने डेल यू वी अपॉन डेल जेड एक्स, इसका प्रसार इसी तरह खोल लिया जाएगा। और जो हमने आर को लिखा था वो लिखा था डेल यू वी अपॉन
डेल एक्स वाई, ये इसी इसी तरह का प्रसार हमने उसको इस तरह से लिखा था, ये लिखा था हमने। तो जो समीकरण एक का व्यापक हल होगा ना, समीकरण एक का इसका व्यापक हल होगा वो इस फॉर्म में होगा, हमने ये देख लिया था। अब हमें समीकरण के जो हल ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी है, समीकरण एक का, एक का हल, व्यापक हल, सॉरी व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हमें यू और बी के मान ज्ञात करने होंगे। के लिए हमें चाहिए यू एक्स वाई जेड बराबर क्या है, वी एक्स वाई एंड जेड बराबर क्या है, ये हमें निकालना है। अब ये निकालना है तो इसके लिए हमें मान कुछ मानना होगा, उसके लिए हम करते हैं, मान लो यू एक्स वाई जेड बराबर ए एंड वी एक्स वाई जेड बराबर बी। ये किसी मतलब जो अपने पास आंशिक अवकल समीकरण के हल हैं, जहाँ जहाँ ए तथा बी बी कोई स्वच्छ अचर हैं, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, ये मान लिया हमने। अब जब हम ये मान चुके हैं आके आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो अब हमें इनका अवकलन करना पड़ेगा यू एक्स वाई जेड, और क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, मतलब यू एक्स वाई जेड बराबर ए तथा वी एक्स वाई जेड बराबर बी का अवकलन करने पर, मतलब इसका हमें पार्शियली अवकलन डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसका ये आ जाएगा, इसका करते हैं तो ये आ जाएगा अपने डेल यू अपॉन डेल एक्स ऑफ डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा अपने पास। एवं आ जाएगा दूसरा डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। अब हमें इन दोनों क्वेश्चन से क्या करना होता है, हमें डी एक्स डी वाई एंड डी जेड इनके वैल्यू निकालने होते हैं। इनके वैल्यू निकालने के लिए हमें जो मैट्रिक्स मेथड होता है उसकी हेल्प से करते हैं। मैट्रिक्स मेथड से जैसे हम डी एक्स का निकालना होता है, डी एक्स का, तो डी एक्स के नीचे जो आता है वो आता है अपने पास ये डी वाई को छोड़ दीजिए, और जो डेल यू डेल वाई मतलब डेल यू डेल वाई और डेल वी डेल जेड माइनस डेल बी डेल वाई ये और डेल यू डेल जेड ये, इसी तरह डी वाई बराबर आता है अपने पास डी वाई, इसको छोड़ दीजिए इन दोनों को ले लीजिए, मतलब डेल यू अपॉन डेल जेड डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस, इस बार हमने पहले इसका कर लिया, अब इसका करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल बी अपॉन डेल जेड। इसी तरह डी जेड बराबर जो आता है अपने पास वो आता है डेल यू, इनको करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, ये आ गया। अब ये क्या था अपने पास, ये जो जो था अपने पास ये हमने वो मान के चले थे, इसको हमने माना था, ये अपने पास था पी, पी बराबर यही था देखो डेल यू अपॉन डेल वाई डेल बी अपॉन डेल जेड माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड, इसी तरह ये क्यू बराबर यही आएगा और आर बराबर ये था। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स बटे पी बराबर डी वाई अपॉन क्यू बराबर डी जेड अपॉन आर, इस फॉर्म में होता है।
जो पी क्यू आर जो होते हैं, तो इस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए किन्हीं दो को लेके हम सॉल्व करते हैं, इन दो को लेके सॉल्व कर सकते हैं, इन दो को लेके सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं और दो फंक्शन निकालते हैं। और दो फंक्शन जो उनको मिला के रख देते हैं, उनको मिला के ने पर जो उसका व्यापक समीकरण होता है वो हो जाता है। अब जो यहाँ पे हमने ये माने थे ना, जैसे हमने माने थे यू, वही तो माने थे हमें यू एक्स वाई जेड, यही तो यही आते हैं इनसे, यू एक्स वाई जेड बराबर ए एंड वी एक्स वाई जेड बराबर बी। ये जो ये समीकरण एक के लाग्रांज सहायक समीकरण कहलाते हैं ये, ठीक है। अब हम इसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ और डेफिनेशन पढ़ेंगे, मतलब हमें जो पढ़ना है वो है अपने पास। अब हमें जो पढ़ना है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आंशिक अवकल समीकरणों के हलों की जो प्रकृति होती है, हल किस किस तरह के हो सकते हैं, उसके तरीके पढ़ते हैं, कौन कौन से हल हो सकते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है अपने पास पूर्ण सॉल्यूशन, पूर्ण समाकल। कंप्लीट इंटीग्रल, अब कंप्लीट इंटीग्रल कहते किसे हैं वो पढ़ते हैं। कंप्लीट इंटीग्रल के लिए मतलब जो आंशिक अवकल समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ना, एफ एक्स वाई जेड जो पी क्यू ये होता है इक्वल टू जीरो। इस समीकरण को जैसे हमारे पास जो समीकरण आता है वो आता है अपने पास फाई यू ने फाई एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू जीरो आता है ना। इसके इसमें जो ए बी का विलोपन करके हम जो लिख देते हैं, ए बी का विलोपन करके इस फॉर्म में लिख देते हैं हम उसको, तो वो समीकरण अभी इसको हम एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं। अब ये संबंध जो संबंध क्वेश्चन नंबर टू है ना, टू में दिया गया समीकरण, ये दिया गया समीकरण, ये समीकरण एक के समाकल हल कहलाता है। अतः चरों के बीच में एक संबंध जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है, जो एक संबंध बना लिया हमने चरों के बीच में, ये जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है, जिससे श्वेत अचरों की संख्या वही होती है, मतलब दो ही अचर हैं, तो समीकरण कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट इंटीग्रल कहलाता है। इसके बाद आता है अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि इसको कहते हैं हम विशिष्ट समाकलन। विशिष्ट समाकलन क्या है कि आंशिक अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके पूर्ण समाकल में स्वेच्छ अचरों के विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है, जो उसके पूर्ण समाकल में स्वेच्छ अचर को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है।
उसके बाद आता है अपने पास थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है अपने पास जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल, और उसको कह सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब ये आता है अपने पास, इसके लिए हमें क्या करना होता है, मतलब जो अपने पास इक्वेशन होती है वो होती है अपने पास पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर फॉर्म की होती है, जहाँ हमें इसके यू तथा बी को ही दो हल प्राप्त होते हैं। ये जो सॉल्यूशन होता है वो लिखते हैं फाइव यू बी इक्वल टू जीरो के रूप में, अभी जीरो के रूप में होता है। अब इसको जैसे हम क्या करते हैं, अपने पास एक तो होता है फाई एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू जीरो, ये मान लिया कि प्रथम कोटि का अवकल समीकरण का जो पूर्ण हल है ना अपने पास, पूर्ण हल है वो ये है, हमने ये मान लिया। अब हम मान लो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, अब फिर से हम ये बी को हम एफ ए से रिप्लेस कर रहे हैं, बी को हम एफ ए से रिप्लेस करते हैं, तो बी को एफ ए से रिप्लेस करने पर अपने पास आ जाता है फाई एक्स वाई जेड ए एफ ए इक्वल टू जीरो, ये आ गया अपने पास। ये आने के बाद जो समीकरण दो अब हमारे पास ये आ गया, इसके पास ये आ गया, इसके बाद हम जो करते हैं हम जैसे ए का विलोपन, अब इसमें से हम ए का विलोपन करते हैं तो डेल फाई अपॉन डेल ए इक्वल टू जीरो से ए का विलोपन कर सकते हैं, और इसी से ही हम बी का भी विलोपन कर किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास तीन इक्वेशन आ जाती हैं। इसके बाद एक एक होती है अपने पास, ये दो इक्वेशन आ गई, ये आ गई एक फाई, ये आ गई, इससे हमें इन दोनों से हमें एक एक की वैल्यू एक अलग आ जाएगी जो कि एफ एक्स वाई जेड के रूप में होगी या पी के रूप में होगी, इसी तरह हम क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह इनका विलोपन करने पर हम एक्स एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो जो फॉर्म आती है ना, ये फॉर्म आती है, इस समीकरण का व्यापक हल कहलाता है ये। व्यापक हल कहलाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पी और क्यू हम सब जानते हैं, पी बराबर होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू बराबर होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब अपने दिया हुआ समीकरण का जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में है पी कैपिटल पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, इस फॉर्म का है, जहाँ पे अपने पास पी बराबर क्या है वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, और क्यू बराबर है अपने पास जेड एक्स, एंड आर बराबर है अपने पास वाई स्क्वायर। अतः जो अपने पास सहायक समीकरण लैग्रैन्ज सहायक समीकरण था, लैग्रैन्ज सहायक समीकरण क्या होता था, अपने पास डी एक्स अपॉन पी बराबर डी वाई अपॉन क्यू बराबर डी जेड अपॉन आर, ये अपने पास सहायक समीकरण होता था। अब इसे सहायक समीकरण की हेल्प से हम इसे सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करने के लिए डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, ये आ गया डी एक्स अपॉन पी बराबर डी वाई अपॉन जेड एक्स बराबर डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। अब हमें इसमें से ऐसे सॉल्यूशन करने हैं कि कोई भी दो पद ले लें और उनसे हम सॉल्यूशन आ जाए इससे, अब इसका मतलब इंटीग्रेशन हो जाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डी पहले दो पद ले लें तो जेड कट जाएगा वाई और एक्स का रह जाएगा, तो हमसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये लिया हमने प्रथम दो पदों से, अब प्रथम दो पदों से कर रहे हैं हम, तो ये आ गया डी जे डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और ये जेड से वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स, ये आ गया, इससे जेड से जेड कट जाएगा, ये एक्स ऊपर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स
डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बराबर डी वाई अपॉन एक्स। अब हम इस एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर कर दें, तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई, ये आ गया। अब इसका मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ सिंपली, क्यों, ये एक्स का फंक्शन है वाई का फंक्शन है, तो इसका आ जाएगा एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस वाई क्यू अपॉन थ्री इक्वल टू सी वन, ये आ गया अपने पास। अब ये आ गया है तो अपने पास अब हमें ये तो ये आ गया, मतलब ये यू बराबर आ गया अपने पास। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक और सॉल्यूशन चाहिए। एक और सॉल्यूशन के लिए अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, अगर जैसे स्कोर इसको ले लें तो भी ये हल प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि इसमें वाई और जेड है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा लेकिन इस सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हमने ले वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स और वाई जेड इसको ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपने पास वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा तो जेड एक्स रह जाएगा, और इधर मतलब जेड एवं एक्स का फलन रह जाएगा। तो हमें प्रथम व अंतिम पद लेने पर ये ले लिया, तो ये आएगा डी एक्स, हम इस एक्स को ऊपर ले जाके लिख रहे हैं, तो ये जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू डी जेड वाई स्क्वायर, ये है अपने पास। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, जड़ का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया अपने पास एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई जेड जेड डी जेड, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी वन, ये आ गया। यहाँ हमने यहाँ इधर लाए हैं तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, एक्स एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस वाई क्यू अपॉन थ्री इक्वल टू सी वन, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको ही इसको लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू सी वन डैश, जहाँ सी वन बराबर थ्री, सी वन डैश बराबर थ्री सी वन, ये हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इसमें भी अपने पास नीचे टू आएगा तो उस टू का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू सी वन आएगा, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू डैश, ये सी टू आएगा, सी टू डैश, ये आ गया। अब अपने पास ये आ गया, तो इस समीकरण का जो व्यापक हल होगा, हम व्यापक हल लिखने के लिए क्या करते थे, व्यापक हल लिखने के लिए सिंपली इसमें फाई यू वी फॉर्म में लिखते थे, मतलब कि फाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एंड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जहाँ कोई फाई जहाँ फाई एक आर्बिट्री आर्बिट्री फंक्शन है, स्वच्छ फलन, आर्बिट्री फंक्शन है, स्वच्छ फलन है। अब इसका जो हम व्यापक समीकरण लिखते हैं ना, मतलब इसका ये तो इस तरह से लिख सकते हैं, एक हम दूसरे भी ये भी है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर साई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ये प्रॉब्लम जो ली है हमने, जेड माइनस एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल टू ए रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये प्रॉब्लम अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2004 2014, उदयपुर यूनिवर्सिटी में 2005 2007 2009, कोटा यूनिवर्सिटी में 09 05, अजमेर यूनिवर्सिटी में 2002 2004, जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2003 2008 2013 में पूछी गई है, मतलब ये कई बार प्रॉब्लम पूछी गई है। तो हम इसका एक सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले इसको सहायक व्यापक रूप में लिखते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक्स पी वाई पी इस तरह से फॉर्म आ जाए, मतलब पी मतलब जो व्यापक फॉर्म होती है वो होती है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, इस फॉर्म में आ जाए। तो इसके लिए हमें ये पी है क्यू है, तो इसके लिए हम इसको तो इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये कर लिया हमने, इसको एक्स पी प्लस वाई क्यू इसको हम इधर ले गए, जेड को नहीं ले गए, बस इन दोनों को ले गए तो साइन चेंज हो गए, इसको हम इधर लाए हैं क्यों, जेड तो यहीं पे था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया अपने पास।
अब हम इसको क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अब लैग्रैन्ज सहायक समीकरण से लैग्रैन्ज सहायक समीकरण लगाते हैं हम, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन पी बराबर डी वाई अपॉन क्यू बराबर डी जेड अपॉन आर फॉर्म में। तो यहाँ पे पी बराबर क्या है, पी बराबर अपना एक्स, क्यू बराबर वाई और जेड आर बराबर अपने पास जेड माइनस ए बार है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये है अपने पास। तो अब हम इसको बस लिख लेते हैं, एक तो ये लिख लिया डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी वाई अपॉन वाई बराबर डी जेड अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये बाहर है, ये हो गया अपने पास। तो फ्रेंड्स हम इससे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं एक तो हमारा सॉल्यूशन इससे मिल जाएगा, लेकिन हमें सेकंड सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमें ये किसी तरह ये काटने होंगे। तो इसके लिए हम एक और पद बना लेते हैं, वो बना लेते हैं हम इधर जैसे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इसको करके इसके इक्वल में ही रखना है वो पद हमें, वो आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये आ जाएगा अपने पास। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने के लिए हम पहले सबसे पहले करते हैं प्रथम दो पदों से, प्रथम दो पदों में जेड नहीं है सिर्फ एक्स एंड वाई है, तो इसको हम डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी वाई अपॉन वाई, तो इससे आ जाता है लॉग इंटीग्रेशन पर लॉग एक्स बराबर लॉग वाई प्लस लॉग सी ये आ गया अपने पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी, इसको लिख सकते हैं हम लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू लॉग सी। अब दोनों तरफ हमें हमने लॉग इनवर्स ले लिया, लॉग तो लॉग एंटी लॉग ले लिया हमने दोनों तरफ, तो एंटी लॉग लेने पे आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी या एक्स बराबर वाई सी ये आ गया हमने हमारे पास एक इक्वेशन। अब जब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है तो अब हमें दूसरी एक और फॉर्मूला निकालना होता है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये अपने पास फर्स्ट स्टेप मतलब हम ये ले लेते हैं कि ये पद ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, ये दोनों को ले लेते हैं हम, तो हम इसको लेने पर हमारे पास क्या जाएगा डी जेड अपॉन जेड माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 1/√2, 1/2 ये हो गया अपने पास, ये रूट में है इसको हम रूट में भी लिख सकते हैं 1/2 को हटा के, ये ले लिया हमने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर मान लेते हैं, टी स्क्वायर या यू स्क्वायर मान लेते हैं, हमने यू स्क्वायर मान लिया। तो अब ये मानने पर, ये इससे मानने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स डी एक्स डिफरेंशिएट करेंगे वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू यू डी डी यू, यहाँ पे हमारे पास टू भी आएगा, टू आएगा यहाँ, टू आएगा यहाँ पे भी टू आएगा, तो टू कॉमन लेके कट जाएगा इसलिए हमने टू को लिखा ही नहीं। तो ये मान प्रतिस्थापित करते हैं यहाँ पे रखते हैं, तो यह रहता है डी जेड बराबर जेड माइनस ए यू, क्योंकि यू स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, इसी तरह यह आ जाएगा अपने पास यू अपोन, यह आ जाएगा यू स्क्वायर
माइनस ए जेड यू, ये आ गया अपने पास। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम ये देखते हैं। अब हमें चाहिए किसी तरह इंटीग्रेशन हो जाए, तो इसके लिए हम ये और ये टर्म कर सकते हैं, डी यू है तो इसको कर सकते हैं हम डी जेड प्लस डी यू करते हैं, हम डी जेड प्लस डी यू करते हैं। तो डी जेड प्लस डी यू करने पे आ जाता है अपने पास जेड माइनस ए यू प्लस यू स्क्वायर माइनस ए जेड यू। डी जेड प्लस डी यू इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं हम हाँ फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू डी यू आता है, यह यू डी यू से आता है, तो इसमें से यू कॉमन आके ये हो जाता है अपने पास डी यू अपॉन यू माइनस ए जेड, ये हो जाता है। तो यू माइनस ए जेड करना है, यू माइनस ए जेड। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस ए जेड प्लस यू, ये लिख सकते हैं हम। हमने क्या किया है इसमें से, जैसे यहाँ से और यहाँ से हमने जेड जेड कॉमन ले लिया है, नहीं जैसे हमने क्या किया है इसमें, हम जैसे अगर इसको खोले हम वन माइनस ए जेड प्लस यू, तो जेड माइनस ए जेड ये आ गया, जेड माइनस ए जेड, तो हमने इसमें से जेड कॉमन लिया है। इसी तरह माइनस ए से मल्टीप्लाई करें यू का, तो यू माइनस यू ए, तो ये आ गया। तो इस तरह ये आ गया, हमने ये इस फॉर्म में बदल लिया है इसको। इसमें बदलने के बाद अपने पास ये आ गया डी जेड अपॉन डी यू बराबर वन माइनस ए प्लस जेड प्लस यू। अब हम जो अब क्या कर सकते हैं, हम इसमें जो प्रथम पद है ये इसी के इक्वल में चल रहा है, तो ये अपने पद आ गए, तो ये अपने पाँचवा पद लिख सकते हैं। उसमें अगला पद हम जो लिख सकते थे वो लिख सकते थे हम डी यू अपॉन डी यू प्लस डी जेड अपॉन वन माइनस ए जेड प्लस यू, ये अगला पद अपने पास ये आ जाता है। अब हम ये पद ले रहे हैं, ये पद और ये प्रथम पद, इनसे हम सॉल्यूशन करते हैं, तो इसे सॉल्यूशन करने पे आ जाता है अपने पास ये आ जाता है डी, इससे आ जाता है कि ये ले लिया हमने डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी जेड प्लस डी यू अपॉन वन माइनस ए जेड प्लस यू। अब जेड प्लस यू बराबर टी मान लें हम, जैसे जेड प्लस यू बराबर टी, तो यह आ जाता है अपने पास डी जेड प्लस डी यू इक्वल टू डी टी, यह आ जाएगा अपने पास, तो यह आ जाएगा अपने पास वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस ए टी ऑफ डी टी। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स वन अपॉन वन माइनस ए लॉग टी प्लस लॉग सी को ये लिख लिया हमने, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम और सॉल्व करें तो वन माइनस ए लॉग एक्स बराबर लॉग टी प्लस लॉग सी, और वन माइनस ए का मल्टीप्लाई होगा, कोई अनदर वो दे दो इसके लिए कांस्टेंट लॉग सी डैश, ये दे दिया हमने लॉग सी डैश, ये ले लिया। या इसको और क्या लिख सकते हैं हम, हमें इसमें से लॉग को हटाना है, तो इसमें से हम इन दोनों को एक तरफ ले आते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग की पावर एक्स लॉग एक्स पावर वन माइनस ए माइनस लॉग टी इक्वल टू लॉग सी डैश, ये हो गया। तो ये आ गया एक्स पावर वन माइनस ए अपॉन टी इक्वल टू सी डैश, क्योंकि पहले हमने इसको लॉग एक्स माइनस ए एक्स बार वन माइनस ए बटे लॉग टी लिखा है इक्वल टू लॉग सी डैश लिखा है, तो फिर एंटी लॉग लिया हमने इसमें, ये क्या है। तो अब हमें टी की वैल्यू लिखनी है, टी की वैल्यू क्या आती है अपने पास, टी की वैल्यू थी जेड जेड प्लस यू, टी बराबर जेड प्लस यू था, तो ये लिख देते हैं हम टी बराबर जेड प्लस यू एक्स बार वन माइनस ए इक्वल टू टी को इधर ले गए, तो जेड प्लस यू सी डैश, ये सी डैश को हम नीचे ले आए, तो ये आ जाएगा सी डैश को नीचे ले आया, तो वन अपॉन सी डैश, तो इक्वल टू सी डबल डैश, अलग से कॉन्स्टेंट दे दिया,
एक्स बार वन माइनस ए जेड प्लस यू, जहाँ पे अपने पास सी डबल डैश बराबर है वन अपॉन सी डैश, ये आ गया। तो जेड बराबर अपने पास क्या आ गया, सी डबल डैश वन एक्स बार वन माइनस ए, यू को इधर लाए हम, ये यू है, यू को इधर लाए, माइनस यू, अब यू की वैल्यू रख देते हैं, यू की वैल्यू क्या आती है अपने पास, यू स्क्वायर की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर रूट आएगा। अब फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए, ये चाहिए हमें सी डबल डैश के इक्वल चाहिए, तो जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी डबल डैश एक्स बार वन माइनस ए हो गया। अब एक्स बार वन माइनस ए का हम इधर डिवाइड कर रहे हैं, तो जेड प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स बार वन माइनस ए बराबर सी डैश डबल डैश। अब इसका जो हम ये आ गए अपने पास, एक तो ये इक्वेशन आ गई और एक जो इक्वेशन आई थी अपने पास ये आई थी एक्स बराबर वाई सी, ये दो इक्वेशन आ चुकी है एक्स बराबर वाई सी एंड ये आ गए, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब जब इसके हम व्यापक सॉल्यूशन लिखते हैं ना, व्यापक सॉल्यूशन वो लिखते हैं वो कोई कोई फाई आर्बिट्री को फंक्शन होता है, एक तो वाई सी या सी बराबर, इसे सी बराबर क्या होगा, जो भी सी बराबर होता है एक्स अपॉन वाई, तो एक तो आएगा अपने पास एक्स अपॉन वाई और दूसरा आएगा अपने पास जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर वन माइनस ए। ये जो अपने पास सॉल्यूशन आया है ये इसका जो स्वच्छ फलन, जब फाई फाई को एक स्वच्छ फलन है, ये फाई ये कोई एक स्वच्छ फलन है, और ये जो फलन है ये समीकरण आया ना ये इसका व्यापक सॉल्यूशन कहलाता है। फिर ऐसे ही कई एग्जांपल आप खुद कर सकते हो, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर प्रॉब्लम कहीं आए जो कोई क्वेश्चन ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460689761, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू, बाय।